बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मशहूर बल्लेबाज इफ्तिखार अहमद ने पाकिस्तानियों को बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अभी वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयारियों में मसरूफ़ है, ऐसे में इफ्तिखार अहमद ने खुशखबरी सुनाकर सबको खुश कर दिया है। जी दोस्तों, एक बार फिर से आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहते हैं। आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम इसी तरह के वीडियो सबसे पहले आप तक बआसानी पहुंचा सकें। जी दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त वर्ल्ड कप खेलने की तैयारियों में मसरूफ है, ऐसे में पाकिस्तान के मशहूर बल्लेबाज इफ्तिखार अहमद ने वर्ल्ड कप के हवाले से बड़ी बात कह दी है। जून 2024 से शुरू होने वाले मेगा इवेंट में पाकिस्तान ग्रुप ए में भारत, अमरीका, कनाडा और आयरलैंड के साथ है। पाकिस्तान 9 जून को रवायती हरीफ भारत के साथ न्यूयॉर्क के क्रिकेट ग्राउंड में टकराएगी। इस सिलसिले में पाकिस्तान के खतरनाक बल्लेबाज इफ्तिखार अहमद ने दावा किया कि पाकिस्तान का टारगेट वर्ल्ड कप जीतना है, न कि भारत को शिकस्त देना। उन्होंने दलील दी कि उनका हदफ भारत या कनाडा नहीं, बल्कि वो सिर्फ वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं। पाकिस्तान के पास वर्ल्ड कप जीतने की सलाहियत मौजूद है और टूर्नामेंट न जीतने का कोई बहाना नहीं है। इफ्तिखार अहमद पाकिस्तान के स्क्वाड का बाकायदा हिस्सा रहे हैं और वो आयरलैंड और इंग्लैंड भी जाएंगे, जो वर्ल्ड कप के आगाज से कबल ग्रीन शर्ट्स की आखिरी आउटिंग होगी। इफ्तिखार अहमद पाकिस्तान टीम के सबसे ख़तरनाक बल्लेबाजों में शुमार होते हैं और इस वक्त वर्ल्ड कप में जहां पाकिस्तान टीम के पास बेहतरीन बॉलिंग कम्बिनेशन है, ऐसे में इफ्तिखार अहमद का पाकिस्तानी टीम में शामिल होना हरीफों के लिए ख़तरे की गिनती बजा सकता है।